बैक टू माई चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान एंड खूबसूरत स्वेटर डिज़ाइन। सिंगल कलर की डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। चार सिलाई की डिज़ाइन है, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। बेबी बॉय, गर्ल, कार्डिगन, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर। बनाना भी बहुत आसान है, ऊन भी बहुत कम लगेगा। अगर आप बिगनर्स हैं, भी स्वेटर बनाना सीख रहे हैं, तो बेस्ट डिज़ाइन है, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। राइट साइड सीधे की तरफ से डिज़ाइन शुरू होगी। 5 के मल्टीपल की डिज़ाइन है, 5 सिलाई में हमारी डिज़ाइन जो है, 5 फंदे में 5 प्लस 5 प्लस 5, इस प्रकार से हमारी डिज़ाइन जो है वो तैयार होगी। 4 सिलाई की डिज़ाइन और 5 के मल्टीपल की, 5 के मल्टीपल की। तो राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। फर्स्ट रो राइट साइड, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे फंदे को उल्टा बुना, ठीक, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। यही 5 फंदे पूरी सिलाई में आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। रिपीट पैटर, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा। एक ही बचा है तो आप एक भी बना सकते हो, नहीं तो 1 फंदा आप उठा लीजिए। 1 फंदे 2 फंदे से कुछ नहीं होता, इसलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप ऐसे ही डिज़ाइन को एडजस्ट कर लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसलिए एडजस्ट करना बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए मैंने भी यहाँ पर एक डिज़ाइन हो गया बराबर, ठीक। दूसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे फंदे को सीधा बुना, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, मतलब जो जैसे दिख रहा है, इधर से 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, एंड उधर से 3 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। तो ये है दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। 4 सिलाई की डिज़ाइन है, 4 सिलाई वही हमको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, तो जिसमें से 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो तीसरी सिलाई, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरा फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे, ध्यान से देखिए। पहले फंदे को सिलाई में लेंगे, ठीक, बिना बुने उतार लेंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे, स्लिप नहीं करेंगे, इस फंदे को इस फंदे के साथ पहले क्रॉस करा देंगे, फिर इसी फंदे को इस फंदे के साथ बुन लेंगे, ऐसे, ये, ठीक। धागा आगे, फिर से देखिएगा, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप किया, दूसरे फंदे में सीधा बुना, स्लिप नहीं करेंगे इस फंदे को, पहले इस फंदे को इस फंदे के साथ क्रॉस कराएंगे, ये दोनों फंदे को एक साथ बुनेंगे। 3 फंदे का यहाँ पर 2 फंदा बन रहा है, 1 फंदा घट रहा है, ठीक। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा बुना, स्लिप नहीं करेंगे, इसे क्रॉस कराएंगे, फिर इस दोनों फंदे को साथ में बुनेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तीसरी सिलाई इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए। अब चौथी सिलाई ध्यान से देखिएगा, 1 2 2 फंदा सीधा, धागा आगे। अब ये जो 3 फंदा उल्टा है, 2 फंदा इसे हम 3 करेंगे, कैसे, एक उल्टा बनाएंगे, एक लपेट देंगे, इसे भी हम उल्टा बनाए, हो गया 3 फंदा, फिर से बराबर हो गया, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, लपेटेंगे एंड बुनेंगे, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा बुना, लपेटा, बुना, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, हो गया। पैटर्न जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, सिलाइयाँ भी कंप्लीट हो गई। अब फिर से रिपीट पैटर्न, 2 फंदा उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, इसी प्रकार से फिर से हम पैटर्न रिपीट करेंगे। जब यही 4 सिलाई आप बार बार रिपीट करेंगे तो ऐसा पैटर्न कंप्लीट होगा। अब ये देखिए बनने के बाद सुंदर लग रहा है कि नहीं,
आप इसे जैसे स्वेटर में डालोगे बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल यूनिक लगेगा, सुंदर लगेगा, बनाने में भी ऊन भी ज़्यादा नहीं लगेगा एंड अच्छा भी लगेगा। तो आप इस डिज़ाइन को ट्राई करना और हमारे साथ शेयर जरूर करना कि आपको यह डिज़ाइन कैसी लगी। मिलेंगे आपसे ऐसे ही यूजफुल डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।